गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में अपन एक और टेक्सचर्स लेकर आए हैं और जिस टेक्सचर्स का नाम है ड्राफे। ये जनरली एक इटालियन डिज़ाइन है, इटली से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है और अपन जो ये डिज़ाइन करने वाले हैं वो अपना जो इंडिया के जो कंपनीज है उनके प्रोडक्ट से अपन ये आज की डिज़ाइन करने वाले हैं दोस्तों। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर अपन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपन जो पैटर्न क्रिएट करेंगे, जिस मटेरियल से पैटर्न क्रिएट होगा वो आप देख सकते हैं विस्टा पेंट करके जयपुर की एक कंपनी है, वो मटेरियल आता है। ये एक पेस्ट फॉर्म में मटेरियल आता है और विदाउट सैंड, मतलब दाना इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, जो पत्थर है वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होता एकदम। और एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो इसमें एशियन पेंट्स में रोलर कोट करके एक मटेरियल आता है, उससे भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं दोस्तों, पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो पैटर्न क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपने को ट्रैवल से प्लेन मटेरियल अपने को लगाना है, देन उसके बाद में प्लेन मटेरियल लगाने के बाद में इसी ट्रैवल्स की सहायता से हेल्प से अपन इसके पैटर्न को क्रिएट करेंगे दोस्तों। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। प्लेन मटेरियल लगाने के बाद में अपने को ट्रैवल को जो अपना सरफेस है जहाँ पर अपन ये मटेरियल लगा रखा है वाइट, उस पर अपने को प्रेस करना है, जिससे कि क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट डॉट फॉर्म के अंदर मटेरियल के अंदर एक पैटर्न क्रिएट होगा। देन ये पैटर्न क्रिएट करने के बाद में अपन इसी ट्रैवल से इसी पैटर्न के अंदर अपन जो है अपना जो एक्चुअल पैटर्न है, जो अपने एक्चुअल डिज़ाइन है वो अपन क्रिएट करेंगे, वो भी मैं वीडियो के आगे आपको दिखाऊँगा। गाइस डॉटेड फॉर्म में मटेरियल को करने के बाद में अब अपन एक्चुअल ट्रैवल से पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से ये बंदा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, अपने को ट्रैवल को हल्का सा लेफ्ट राइट अपने को मटेरियल को प्रेस करना है, जो ये डॉटेड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको अपने को दबाना है, उसको अपने को प्रेस करना है, जिससे कि एक पैटर्न क्रिएट होगा और इसके अंदर डबल शीट के अंदर अब जब अपन मटेरियल लगाएंगे इसका जो टॉप कोट लगाएंगे वो उभर के आएगा, वो निकल के आएगा दोस्तों। ये पैटर्न जो है वो पूरा अपन जब टॉप कोट लगाएंगे उसके बाद में प्रॉपर दिखेगा दोस्तों अपने को। गाइज आपको मैं जो पैटर्न क्रिएट किया है उसका अपने को मैं क्लोज व्यू करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पैटर्न बना है अपना वो थोड़ा सा रफ फॉर्म के अंदर ये पैटर्न क्रिएट होता है जनरली, जिससे कि अपन जब ये डबल शेड देंगे तो ये शेडिंग देने में थोड़ा सा ईजी रहेगा और ये एंटीक लुक इसी पैटर्न के कारण आएगा, क्योंकि जो डाउन पार्ट है वहाँ पर अपन जब कलर वॉश करेंगे, जब अपने को मटेरियल जो टॉप कोट है गोल्ड कॉपर अपन उसको लगाएंगे और जो फॉर्म से अपन इसको वॉश करेंगे तो जो डाउन वाला पार्ट है वहाँ पर मटेरियल बैठ जाएगा और जो अपर वाला पार्ट है वहाँ पर मटेरियल वॉश हो जाएगा दोस्तों। तो जिससे कि एक एंटीक लुक पैटर्न क्रिएट होगा और जो टेक्सचर्स निकल के आएगा वो उसका फाइनल लुक होगा दोस्तों। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपना बेस कोट है जो अपन ने पैटर्न क्रिएट किया था वो ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब अपन इसके ऊपर रॉयल लग्जरी इमल्शन का बेस कोट लगाएंगे दोस्तों, जो कि एकदम डार्क ग्रे कलर, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर ही आप मान सकते हैं। और उसका जो प्रोडक्ट कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा, बाकी प्रोडक्ट का जो नाम है वो है रॉयल लग्जरी इमल्शन दोस्तों। इसको अपने को प्लेन रोलर से लगाना है, आपको मैं पूरा इसमें दिखाऊंगा दोस्तों।
गाइज यहाँ पर अपने को रॉयल लग्जरी लगाने से पहले 80 नंबर के सैंड पेपर से हल्की हल्की इसकी सैंडिंग करनी है टेक्सचर्स की, पैटर्न की, जो अपने पैटर्न क्रिएट किया था, ताकि अपन जब कलर वॉश करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, आसानी रहेगा दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गाइज यहाँ पर रॉयल लग्जरी इमल्शन का जो कोट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को इसको सूखने देना है, ड्राई टाइम इसका 3 से 4 घंटे है, देन इसके ऊपर अपन कलर वॉश करेंगे कॉपर और गोल्ड से। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। गाइज यहाँ पर जो अपना रॉयल लग्जरी इमल्शन है वो सूख चुका है। अब अपन जो ड्यूलक्स कंपनी का कॉपर है, रॉयल प्ले कॉपर आता है ड्यूलक्स कंपनी के अंदर, उससे अपन इसको वो कलर वॉश करेंगे। अपने को जनरली जो मटेरियल लगाना है वो रोलर और ब्रश की सहायता से अपने को लगाना है, देन उसके ऊपर अपने को फॉर्म से इसको वॉश करना है, ताकि शेडेड इफेक्ट जो एंटीक लुक है वो निकल के आएगा दोस्तों। तो गाइज अब अपन इस पे गोल्ड का जो टॉप कोट है वो लगाने वाले हैं। तो ये गोल्ड का जो टॉप कोट है वो ये रहा दोस्तों। तो गाइज आप देख सकते हैं टेक्सचर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मल्टी इफेक्ट के अंदर ये टेक्सचर्स आता है, शेडेड इफेक्ट में आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटीक लुक के अंदर टेक्सचर्स का पूरा अच्छा सा एक लुक निकल के आया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितने लोगों तक है उतने लोगों तक ये पहुँचाइए दोस्तों। We'll be right back.